ट्विटर विवाद में सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर ट्विटर ने नए नियम नहीं माने तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ट्विटर पर कार्रवाई होगी और उसके तहत हर्जाने और मानहानि के लिए ट्विटर जिम्मेदार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार अब ट्विटर को लेकर सख्त हो गई है और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर ट्विटर ने नए नियम नहीं माने तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ट्विटर पर कार्रवाई होगी। इसके तहत हर्जाने और मानहानि के लिए ट्विटर जिम्मेदार होगा। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ पूरे अपडेट के साथ। विकास, आज सुबह से एक बार फिर ये पूरा विवाद तेज हुआ, लेकिन अब सरकार का रुख बहुत कड़ा हो गया है, क्या है पूरी जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल, सरकार का रुख बहुत कड़ा हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो 25 फरवरी इस साल रूल्स बनाए गए थे उसको लेकर कई कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने ट्विटर के साथ किए। 26 मई को एक नोटिस भेजा, 28 मई को भेजा और उसके बाद 2 जून को भी भेजा। कल हुई बैठक में ये सरकार ने फैसला लिया कि अब ये आखिरी नोटिस सेंड किया जा रहा है और इस नोटिस के तहत ये साफ कर दिया गया ट्विटर को कि जो आईटी एक्ट की धारा 79 है जिसके तहत ट्विटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर हर्जाने और किसी भी मानहानि से छूट मिली हुई है वो धारा विड्रॉ कर दी जाएगी और इसके बाद ट्विटर पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई भी आपत्तिजनक शब्द लिखता है, फोटो डालता है, तस्वीर डालता है या फिर कोई भी ऐसा वीडियो डालता है जो कि उस व्यक्ति के लिए मानहानि लगता हो तो वो उस व्यक्ति के साथ साथ ट्विटर पर भी मानहानि और हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है। ये धारा अगर विड्रॉ हो गई तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तौर पर जो तमाम छूट मिली हुई है ट्विटर को वो खत्म हो जाएंगी। ट्विटर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो किसी भी तरह के हर्जाने, लापरवाही या फिर किसी भी तरह की मानहानि के लिए मुकदमे के लिए ट्विटर खोल दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति ट्विटर पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। 1 रुपए से लेकर 1000 करोड़ तक के हर्जाने का भी मुकदमा दर्ज कर सकता है। ABP News आपको रखे आगे।